नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका कवि न्यूज़ के यूट्यूब लाइव पे। आज एक ऐसी खबर आई जिसका मुझे लाइव आके ही बताना जरूरी समझा मैंने। खबर इतनी भीभत्स है, भयावह है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस खबर की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप पहले तो इन कुछ तस्वीरों को देखें, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा कि देश कहाँ है, देश की सोच कहाँ है। क्या वाकई देश के अंदर सभी धर्मों को रहने का अधिकार है? क्या हर धर्म को मानने का अधिकार है? या अभी भी जातिगत ऊंच नीच इतनी भयानक तरह से हावी है कि इन तस्वीरों को देख के आप पता लगा सकते हैं? जरा देखते हैं ये तस्वीर आप। ये देखिए, न्यूज़ ऐसी थी कि पूरा उसको एडिट करके नहीं कर सकते। देखिए ये महिला, इस बेटी को देखिए, इस महिला को देखिए, इसके सर पे पट्टी बंधी हुई है। इन बाबूजी को देखिए, इनके हाथ तोड़ दिए गए हैं। इस महिला को देखिए, इस महिला को देखिए, किस तरीके से लेटी हुई, इसको कहाँ कहाँ चोट लगी होगी। इस महिला को देखिए, करा रही है ये। इसको देखिए, इसके हाथ पैर हर जगह चोट है लगभग। ये वृद्ध है, इसको भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए, सारी तस्वीरें महिलाओं की हैं। लगभग ऐसी 50 महिलाएं हैं जिनको बेरहमी से पीटा गया है, मारा गया है। कसूर क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। पहले आप इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए, मानसिकता को जांच लीजिए जिन्होंने इनको मारा है। देखिए ये बेटी कैसे लेटी है, ये देखिए आप, इनको देखिए आप, ये देखिए आप। ऐसी 50 महिलाएं हैं जिनको बेरहमी से मारा गया है। ये देखिए ऐसे, आपने सारी तस्वीरों को देखा, आपने सारी तस्वीरों को देखा, किस तरीके से मुंडों से लाठी से मारा गया हो। कानपुर देहात की घटना है, जहां पर गज थाने में एक गांव है जिसका नाम है मंगलापुरारी। वहां पर बुद्ध की कथा चल रही थी, अम्बेडकर साहब के प्रवचन चल रहे थे। 8 फरवरी को हालांकि खत्म हो गए थे, लेकिन गांव में क्या होता है, उच्च वर्ग प्रभुत्व वर्ग होता है, उच्च वर्ग का प्रभुत्व होता है हमेशा। वो नहीं चाहता है कि उसके सामने कोई नीची जात का, दलित जात का व्यक्ति इस तरीके के आयोजन करे जिससे कि जन उसके समाज में, उसके आसपास जागरूकता फैले, अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैले। वहां पे ही कुछ ठाकुर समुदाय के लोग, 8 फरवरी को कथा खत्म हो गई, लेकिन ठाकुर समुदाय के लोगों ने आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास ऐसा जघन्य अपराध किया, इस तरीके से मारा है दलित वर्ग के लोगों को, घर में घुस के मारा है, महिलाओं को मारा है, पुरुषों को मारा है, केवल इसलिए कि उन्होंने बुद्ध की कथा का आयोजन किया हुआ है। मानसिकता देखिए इस योगी के, सरकार की मानसिकता देखिए इस मोदी के, देश की, जहां सर्वधर्म संभव की बात की जाती है, जहां पर सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है। जब वहां पर एक धर्म के लोग अपने धर्म की कथा का आयोजन कराते हैं, तो दूसरे लोग किस तरीके से मारते हैं, डराते हैं कि कहीं इस तरीके की घटनाएं जब देश में उजागर हों, तो दूसरे लोग इस तरह की घटनाओं को कर भी ना सकें, और अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि आज हमने यहाँ किया है, तो कल आप भी ऐसा करिएगा। आयोजन मैं फिर से बता दूं, ये घटना कहाँ की है, कानपुर देहात के गजनेर थाने के पास से गांव है मंगटा पुरारी। वहां पर कुछ ठाकुरों को दलितों का बुद्ध कथा का आयोजन प्रयोजन स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी। इसके बाद घर में घुसकर कम से कम 50 औरतों को लहूलुहान किया, उन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई संगठन वहां पहुंच रहे हैं, उनको देख रहे हैं। एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है, यूए के कह रहा है कि इस आयोजन के बाद इस तरह के जो घटना हुई है उसमें विधायक
अभिजीत सिंह सांगा जो कि ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करते हैं और सांसद देवेंद्र सिंह फोले का भी हाथ है। आप बताएंगे किसके सर पे हुआ है? अभिजीत सिंह सांगा और देवेंद्र सिंह बोले जो यहाँ के सांसद हैं वो दोनों ठाकुर हैं और उनको ये पहले से प्लानिंग होगी, सरकार की पहले से प्लानिंग होगी। वो ऐसे ऐसे प्रशासन के लोग ऐसे थोड़ी ना आते हैं, प्रशासन के लोग जब हमारे जो नेता हैं जो बीजेपी के नेता उनके सह से हुआ ये हुआ, उनके सह की वजह से इन लोगों पर हमला हुआ। तब तो शासन दबा। उसका साफ साफ कहना है कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं वो राजनीतिक प्रेरित होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं अभिजीत सिंह सांगा जो बिरादरी से ठाकुर हैं। और दूसरे देवेंद्र सिंह भोले जो सांसद हैं कानपुर देहात में वो भी ठाकुर है, तो उनका साफ आरोप है कि ठाकुर उनके कहने पर, उनके भड़काने पर या उनकी ताकत पे, उस सत्ता की ताकत जहाँ पे आज कानपुर देहात में उनका विधायक भी ठाकुर है, सांसद भी ठाकुर है, और इत्तेफाक देखिए कि इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में जो सीएम है वो भी ठाकुर है, तो ठाकुरों को कहीं ना कहीं राजनीतिक बल मिल रहा है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो घटना थोड़ी सी ऐसी थी कि वहां तुरंत लाइव आना आपके लिए बनता था। आप देखिएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। बने रहिए कभी न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।